नमस्कार दोस्तों, इंडिया टेलीस्कोप शॉप में आपका स्वागत है। आज 3 मिनट का वीडियो होने वाला है शॉर्ट्स की जगह। बात कर रहे हैं 76 mm टेलीस्कोप्स इंपोर्टेड, इस तरह से बॉक्स में आते हैं। इन दोनों बॉक्स में आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब आप यहाँ पे नजर डालिए, जो ऑप्टिकल ट्यूब है वो दोनों के अंदर सेम है। ये सुपरनोवा का हमारी ब्रांडेड वाला टेलीस्कोप है, इस तरह से सुंदर सी ऑप्टिकल ट्यूब है, और इसका जो अपर्चर है वो 76 है। जो ग्लास को अगर खोलें तो ये इस तरीके से दिखता है। इसमें ये 76 जो अंदर शीशा है, प्राइमरी मिरर और ऊपर सेकेंडरी मिरर है ये वाला, और लाइट रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ पे इमेज कैप्चर होती है, यहाँ से फोकस होता है इस तरीके से। पास में बहुत बार हमने वीडियो बनाए हैं। तो इन दोनों टेलीस्कोप में सिमिलैरिटी ये है, दोनों 76 हैं और 700 फोकल लेंथ के हैं। एक्सेसरीज में लेकिन फर्क है, इसमें स्टैंड कॉमन है, आपको मोबाइल फोन अडेप्टर कॉमन मिलेगा, ऑप्टिकल ट्यूब कॉमन मिलेगी, लेकिन एक्सेसरीज में क्या फर्क है उसी के लिए वीडियो है एक्सप्लेन करने के लिए। एक है केलनर वाला, अगर आप देखेंगे 20 mm केलनर, दूसरा 10 mm और तीसरा फिरो रैमस्टन 4 mm। ये तीनों पहली बात तो 1.25 इंच के हैं, तो एक पैकेज तो 7,500 का है केलनर आईपीस के साथ। तीन आईपीस जो ये हैं, ये आपको 35x, 70x और 175x पावर देंगे, साथ में बारलो और मोबाइल फ़ोन अडेप्टर तो है ही और मून फिल्टर है। और दूसरा जो है पैकेज, उसके साथ आपको इस तरह के रैमस्टन आईपीस मिलते हैं, ये वाले जो थोड़ा सस्ता है, ये 6,500 का पैकेज है। इसमें ये वाले आईपीस हैं 20 mm, 12.5 mm और 4 mm। अब अगर इसको कंपेयर करें तो आप फील्ड ऑफ व्यू देख सकते हैं, 4 mm तो दोनों के सेम है, 20 mm, 10 mm और ये 4 mm, ये दोनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों केलनर हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इमेज की क्वालिटी का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। एक तो एरिया व्यू वाइडर है और दूसरा इमेज थोड़ी सी स्लाइटली शार्पर आपको मिलती है। इस वजह से एक 7,500 का पैकेज है और एक 6,500 रुपये का पैकेज है जो रैमसन वाला है। बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, असेंबली टाइम करीब रफली 5 से 7 मिनट है। काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने सिटी शहर के स्काई से देख सकते हैं, कुछ स्टार क्लस्टर्स ब्राइट और कुछ ब्राइट नेब्यूलाज और प्लैनेट। एक तीसरा टेलीस्कोप भी आता है 76 mm में जो ऑनलाइन बिकता है, उसमें आपको ये 1 इंच का आईपीस मिलता है। अब आइए इसको ज़रा कंपेयर करें साइज से, ये 1.25 इंच है, ये 1 इंच है और ये भी 1.25 इंच है, हालांकि रैमस्टन है। तो अगर आप चेक करेंगे तो इसका जो साइज़ है 0.965 या 1 इंच कह सकते हैं, तो साइज़ कितना छोटा है। और कोटिंग्स पे भी नज़र मारेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसका मतलब अगर कोटिंग्स नहीं है तो पिक्चर की क्वालिटी जो है वो ब्राइटनेस वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो ये वाले जो टेलीस्कोप आएंगे 1 इंच के, उनसे आपको बचना है, क्योंकि वो भी 8 से 7-8 हज़ार और 10 हज़ार की रेंज, 11 हज़ार तक के भी लोग बेच रहे हैं। आप चेक कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगा क्योंकि बाद में उन लोगों के फ़ोन आते हैं मुझे। तो आपने ये चीज़ देखना है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि हम लोगों के पास टाइट बजट है या हमें पता नहीं बच्चों ने आगे इस हॉबी में बढ़ना है नहीं, और हम ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते, 6 से 8 हज़ार के बीच में जाना चाहते हैं, तो 6,500 का आपको रैमसन में मिलता है और 7,500 का आपको केलनर आईपीसीस में मिलता है। इसके साथ मून फिल्टर, बारलो रेक्टिंग आईपीस, मोबाइल फ़ोन अडेप्टर, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। आप एक बैग भी ले सकते हैं, आप एक बैग ले सकते हैं इस तरह से पैडेड वाटरप्रूफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी, बीच में पार्टीशन है और ये स्ट्रैप्स हैं, एक तरफ ये ट्यूब को होल्ड करेंगे और एक तरफ ट्राइपॉड को होल्ड करेंगे, और एक बड़ी सी पॉकेट है बाहर जहाँ हिसाब की एसेसरीज आ जाएंगी हर तरह की। तो ये बैग ले सकते हैं 1500 रुपये का, तो 6,500+1500 एक 8,000 का पैकेज बनता है, और एक 7,500+1500 9,000 का पैकेज पड़ता है, और ऑल ओवर इंडिया हम शिप करते हैं। हमारी जो शॉप है वो इंद्रपुरम गाजियाबाद में है। टेलीविजन.com एक ऐसी साइट है जहाँ पे आप सिमुलेट कर सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं कि इमेजेस कैसे दिखाई देंगी, प्लैनेट्स की या नेब्यूलस की या गैलेक्सी की। गैलेक्सी अगर आपने देखनी हो तो आपको डार्कर स्काई में जाना पड़ेगा, आपको शहर से दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो वॉश आउट हो जाती है। तो उम्मीद है आपको डिफरेंस पता चला होगा। केलनर आईपीसीस का अलग टेलीस्कोप आएगा, रैमस्टन का अलग टेलीस्कोप आएगा, और जो 1 इंच के आईपीस हैं रैमसन इस तरह से, वो सबसे हल्की क्वालिटी होगी, वो अवॉइडेबल है मेरी नज़र में। बाकी टेलीस्कोप में कोई इशू नहीं है, स्टैंड में, टेलीस्कोप में, जिस हिसाब से बजट है उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। तो आपको लेना हो नीचे लिखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 55 और मॉडल्स हैं हमारे पास टेलीस्कोप्स के, और इसी तरह से हम स्पॉटिंग स्कोप और बायनोकुलर्स और मोनोकुलर्स में भी डील करते हैं, जो समय समय पर हम वीडियो डालते रहते हैं। तो आप सपोर्ट कीजिए हमारी चैनल को, अगर वीडियो पसंद आया हो, डिफरेंस आपको पता लगा हो, तो आप लाइक कीजिए।